नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं यू पावर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और आप उसे कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, यानी ऑल कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए दोस्तों नोटिफिकेशन के जरिए। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक टॉपिक के बारे में, यानी इंडस्ट्री में आप जितना सारा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे मोटर हो, ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, VFD, ESP, हॉइस्ट, क्रेन, कन्वेयर बेल्ट, ब्रेकर, रिले, ये सारे के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं यू पावर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। दोस्तों ये जो यू पावर सर्किट ब्रेकर है ये L&T मेक का है। आप जैसा जानते हैं कि एक सी पावर ब्रेकर रहता है और एक यू पावर ब्रेकर यानी ओमेगा ब्रेकर भी आप उसे बोलते हैं। तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर एयर सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, यानी आप ऑन बटन को प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, आप उसे कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। और सेकेंड प्रॉब्लम जो यू पावर ब्रेकर रिलेटेड है, आपने ब्रेकर को रैकिन कर लिए, रैकिन करने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल को पुल कर रहे हैं। हैंडल को जैसे ही निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका जो रैकिंग शटर है दोस्तों, शटर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन शटर क्लोज नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है उसको भी हम जानेंगे। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों, SCB को आप लोग डिस्कनेक्टेड पोजीशन पे नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है उसको भी जानेंगे। और नंबर फोर प्रॉब्लम है दोस्तों, रैकिंग शटर आपका ओपन नहीं हो रहा है। और नंबर फाइव प्रॉब्लम है दोस्तों, ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग मैनुअली पुश बटन दबा के क्लोज करने वाले थे लेकिन क्लोज नहीं हो रहा था। और फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, TNC स्विच के थ्रू हम लोग क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन SCB क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। और नंबर सिक्स पॉइंट है दोस्तों, जैसे ही आप लोग SCB को क्लोज करते हैं तुरंत ही ट्रिप हो जाता है, ये एक और एक प्रॉब्लम है दोस्तों। रैकिंग शटर सही है, रैकिंग पोजीशन पे ले लिए, सर्विस पोजीशन पे ब्रेकर चला गया, उसके बाद आप लोग क्लोज कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकली क्लोज करो या मैकेनिकली क्लोज करें, दोनों साइड में क्लोज हो रहा है लेकिन क्लोज होने के बाद तुरंत ही ट्रिप हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था दोस्तों, क्लोज पुश बटन को दबा के आप जब क्लोज कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसका क्या क्या पॉसिबल कॉजेस है सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये टाइप का ब्रेकर में क्या होता है दोस्तों, जब तक आपका आर्कचूट, तीनों पोल का आर्कचूट अगर प्रॉपर पोजीशन में नहीं होगा तो उसी कंडीशन में आप लोग कभी भी यू पावर ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था। तो सबसे पहले अगर पुश बटन से क्लोज नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि हो सकता है आर्कचूट प्रॉपरली पोजीशन पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर पोजीशन पे बिठाना है, ब्रेकर को निकाल दीजिए बाहर, उसके बाद आर्कचूट को चेक कीजिए, आर्कचूट को प्रॉपर पोजीशन पे सेट कर दीजिए, ये करेंगे तो आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसका एक रीजन होता है दोस्तों, अंडर वोल्टेज, एक अंडर वोल्टेज रिलीज रहता है। अगर अंडर वोल्टेज रिलीज लाइन पे होगा तो आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्रेकर को रैक आउट करते हैं, जब आप ब्रेकर को रैक आउट कर लेते हैं तो अंडर वोल्टेज सेंस करता है, तो उसी कंडीशन में आप लोग कभी भी ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अंडर वोल्टेज रिलीज को वहाँ से हटा दीजिए, उसको निकाल दीजिए, उसके बाद आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। नंबर थ्री और एक रीजन है दोस्तों, अगर ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग नहीं होगा तो उसकी वजह से भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग क्या करें, प्रॉपरली चेक करें कि ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग हुआ है कि नहीं, और स्प्रिंग चार्जिंग होने के बाद एक आवाज़ आता है दोस्तों, एक साउंड आता है, और साथ ही साथ उसका एक इंडिकेटर रहता है दोस्तों, ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग का एक इंडिकेटर रहता है, वो इंडिकेटर येलो में आ जाना चाहिए,
ब्रेकर का इंडिकेटर अगर येलो में नहीं है तो समझ लीजिए कि ब्रेकर चार्ज नहीं हुआ है, येलो जब भी दिखाएगा तो समझ लीजिए कि ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग हो गया है। और क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, मैंने एक वीडियो में दिखाया था दोस्तों कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया था, ये यू पावर सर्किट ब्रेकर का बात कर रहा हूँ, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया था लेकिन उसके बाद क्लोज नहीं हो रहा था। तो उसका जो रीजन हमने फाइंड आउट किया कि उसका जो ट्रिप रीसेट लिंक होता है दोस्तों, एक रेड वाला लिंक आपको दिखाई देगा जो कि ट्रिप होने के बाद तुरंत ही बाहर की तरफ चला आता है, उसको आपको सही पोजीशन पर लेना है। अगर वो ट्रिप रीसेट लिंक बाहर चला आया होगा तो उसको आपको प्रॉपर पोजीशन पर डालना है, रीसेट पोजीशन पर रखना है, उसके बाद ब्रेकर क्लोज होगा। नंबर 5 रीजन है दोस्तों, स्मार्ट रैकिंग शटर इज ओपन। मैंने जो शटर का बारे में बात कर रहा था, यानी जिस शटर को आप खोलेंगे ब्रेकर रैकिंग रैकआउट हैंडल को घुसाते हैं, उसी शटर अगर ओपन रहेगा तो भी आपका ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। ये उसका एक सेफ्टी प्रोविजन है दोस्तों, तो उसे भी आपको चेक कर लेना चाहिए। जैसे ही आपका ब्रेकर प्रॉपर पोजीशन पे होगा, यानी रैकिंग पोजीशन पे होगा, तो उस समय वो शटर क्लोज होगा दोस्तों। अगर प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होगा तो वो शटर ओपन में रहेगा, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। हो सकता है ब्रेकर और थोड़ा अंदर जाए, ब्रेकर प्रॉपर पोजीशन पे रहने के बाद ही ये शटर क्लोज हो जाएगा, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। नंबर 6 रीजन है दोस्तों, अगर ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसका और एक रीजन है दोस्तों, ऑफ बटन लॉक्ड पोजीशन पे होगा। उसी ऑफ पुश बटन को आप लोग अनलॉक कर दीजिए, अनलॉक करने के बाद दोबारा क्लोज कीजिए और आप देखेंगे ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर भी ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसका और एक रीजन है दोस्तों, मैकेनिकल इंटरलॉक डिजेबल क्लोजेस। तो ये भी एक बार चेक कर ले, मैकेनिकल इंटरलॉक जो भी है वो सही पोजीशन पे हो। यू टाइप सर्किट ब्रेकर में और एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों, उसका शटर क्लोज नहीं होता है। यू टाइप सर्किट ब्रेकर का बात कर रहा हूँ, यू टाइप सर्किट ब्रेकर को जैसे ही आप लोग रैकिन रैकआउट को हैंडल को निकालेंगे तो उस समय तुरंत ही शटर क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर शटर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेकिंग करना है, सबसे पहले तो ध्यान रहे दोस्तों शटर 3 पोजीशन में क्लोज होगा। यानी अगर ब्रेकर सर्विस पोजीशन पर रहेगा तो शटर क्लोज रहेगा, अगर ब्रेकर टेस्ट पोजीशन पर रहेगा तो शटर क्लोज रहेगा, अगर ब्रेकर आइसोलेट पोजीशन पर रहेगा यानी पूरा रैकआउट पोजीशन पर रहेगा तो शटर क्लोज होगा। तो ये 3 पोजीशन पे शटर क्लोज होता है। अगर शटर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको एससीबी का पोजीशन को चेक करना है और थोड़ा उसको अंदर डालना है, नहीं तो उसको टेस्ट पोजीशन में लाना है, नहीं तो उसको आइसोलेट पोजीशन पे लाना है। और एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों यू टाइप सर्किट ब्रेकर में, उसको आप आइसोलेट पोजीशन पे नहीं ले पा रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका एक ही रीजन हो सकता है दोस्तों, ब्रेकर और क्रैडल रेटिंग डज नॉट मैच। तो आपको करेक्ट ब्रेकर वहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों यू टाइप ब्रेकर में और एक प्रॉब्लम आता है, रैकिंग शटर ओपन नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन होता है? तो जनरली ये शटर कैसे ओपन होता है दोस्तों, शटर को ओपन करने के लिए आपको जो पुश बटन रहता है दोस्तों, ऑफ पुश बटन यानी स्टॉप पुश बटन, उसको आपको दबा के रखना पड़ेगा, उसको प्रेस कीजिए और आप देखेंगे रैकिंग शटर ओपन होगा। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है दोस्तों, डोर ओपन होगा या उसका डोर रैकिंग या उसका कुछ इंटरलॉक एक्टिव होगा, तो आपको इंटरलॉक को इनएक्टिव करना है और डोर को सही तरीके से क्लोज करके इसको खोलना है दोस्तों। और एक रीजन होता है दोस्तों, पोजीशन लॉक एक्टिव, तो उसको भी आपको अनलॉक करना है। तो जनरली ये 3 रीजन रहते हैं, अगर रैकिंग शटर ओपन नहीं हो रहा है तो आप ये तीनों को चेकिंग करना पड़ेगा। तो नंबर 5 फॉल्ट है दोस्तों, एससीबी डज नॉट क्लोज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं हो रहा है। यानी जो टीएनसी स्विच रहता है दोस्तों, टीएनसी स्विच के थ्रू अगर आप क्लोज कर रहे होंगे और ये ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा होगा तो उसका क्या रीजन हो सकता है? नंबर 1 रीजन दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंटी पंपिंग इज एक्टिव। यानी ब्रेकर जैसे एक बार ऑन हो जाता है तो आप लोग दोबारा इसको क्लोज नहीं कर सकते, ये कैसे होता है? एंटी पंपिंग डिवाइस रहता है दोस्तों, तो वो अगर एक्टिव होगा
तो आप लोग ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रेकर को ट्रिप कर दीजिए और एक बार क्लोज कीजिए। तो नंबर टू रीजन ये दोस्तों, कहीं से रेडी टू क्लोज का कंडीशन मैच नहीं कर रहा होगा, यानी ब्रेकर को क्लोज करने के लिए, इलेक्ट्रिकली क्लोज करने के लिए आपका कुछ इंटरलॉक रहता है रेडी टू क्लोज, वो अगर इंटरलॉक सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो भी आपका एसी भी इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं होगा। तो ये आपको चेक करना है रेडी टू क्लोज कंडीशन। तो मान लीजिए एसी भी क्लोज हो रहा है, लेकिन क्लोज होने के बाद तुरंत ही ट्रिप हो रहा है, तो ये क्यों होता है दोस्तों? जनरली इसका कुछ रीजन रहते हैं। नंबर वन रीजन है दोस्तों, ओवरलोड फॉल्ट कहीं पे एग्जिस्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये बार बार ट्रिप हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले फॉल्ट को क्लियर कर देना है। और क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, जैसे ही ब्रेकर ट्रिप होगा उसका एक रिसेट लिंक बाहर निकल आएगा, उस रिसेट लिंक को आपको दोबारा प्रेस कर देना है, और रेड वाला रिसेट लिंक को आपको प्रेस कर देना है। और थर्ड रीजन होता है दोस्तों, शॉर्ट रिलीज को कहीं से कमांड मिल रहा होगा, ट्रिपिंग कमांड कहीं से मिल रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा रिले खराब हो सकता है, कहीं से तो उसको ट्रिप कमांड मिल रहा है जिसकी वजह से ये बार बार ट्रिप हो रहा है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो जनरली ये सारे रीजन रहते हैं दोस्तों यू पावर सर्किट ब्रेकर में। अगर ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेकिंग करना है, अगर ब्रेकर क्लोज होकर ट्रिप हो रहा है तो आपको क्या चेकिंग करना है, अगर ब्रेकर का शटर क्लोज नहीं हो रहा है या ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेकिंग करना है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाया हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।